जैसे कि आपको पता ही है कि तू झूठी मैं मक्कार ऑलरेडी सिनेमा में रिलीज़ हो चुकी है 8 मार्च को, और इसने जो है कि सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, और इसने फर्स्ट डे यानी कि ओपनिंग डे पे ही लगभग 15 करोड़ 73 लाख की कमाई करी है, और उसके साथ सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इंडिया का रहा है वो 10.34 करोड़ रहा है। उसके बाद थर्ड डे इसने 10.52 करोड़ का अर्निंग करी है, और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे होने पर इसने थोड़ा 57% का जंप देखने को मिला, और इसने 16.53 CR का अर्निंग करी। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि सैटरडे होने की वजह से इसमें +3% का और इंक्रीमेंट देखने को मिला, और इसी के साथ उस दिन इसने 17.08 करोड़ की अर्निंग करी। उसके बाद नेक्स्ट डे 6 को इसने 6.08 करोड़ CR की कमाई करी, एंड उसके बाद डे 7 पे 6.03 CR की अर्निंग करी, और डे 8 पे इसने अप्रॉक्स 6 CR की अर्निंग करी, और आज यानी 9th डे लगभग ये 5 करोड़ या उसके आसपास ही टच हो रही है, और यह 10वें दिन अपने लगभग 3.5 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। अगर बात करिए टोटल ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो लगभग 138 CR का हो रहा है, और इससे थोड़ा सा ऊपर है, दैट इज़ गुड। तो गाइज ये जल्द ही अब 150 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 2023 की फिल्म बन जाएगी, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेल्फी मूवी हो गई शहजादा वो ऑलरेडी थिएटर में फ्लॉप हो चुकी है, उसके बावजूद बॉलीवुड मूवी ने ये कारनामा करके दिखाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है गाइज। गाइज मेरी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि 9th डे कितना कलेक्शन कर सकती है, और अगर आपने अब तक नहीं देखी मूवी तो ज़रूर देखने जाइएगा, क्योंकि क्या मूवी है इंटरेस्टिंग। अगर आप जाओगे थिएटर में तो वो आपको पता चलेगा कि मतलब लव स्टोरी रोमांटिक एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दी मूवी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो कि आपको मूवी कैसी लगी। सो प्लीज़ गो एंड वॉच, और आशा करते हैं गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।